हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नए ब्लॉग में और मैं हूं आपका विकास चंद्रा और आप देख रहे हैं विकास चंद्रा ब्लॉग चैनल। और देखते हैं आज रोज की तरह आज घर में मम्मी क्या बना रही है, क्योंकि ये फैमिली ब्लॉग है, ट्रैवलिंग ब्लॉग नहीं है, फैमिली ब्लॉग है। तो फैमिली ब्लॉग में आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ कि फैमिली ब्लॉग में लोग जो घर का दिनचर्या होता है, जो शेड्यूल होता है, वही दिखाते हैं। घर में क्या होता है, लोग क्या कर रहे हैं, फैमिली लोग, तो वही सब चलता है। ये इसे कहते हैं फैमिली ब्लॉग। तो फैमिली ब्लॉग में आइए देखते हैं कि आज का क्या प्रोग्राम है खाने का। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं। स्वागत है मम्मी विकास चंद्रा ब्लॉग्स चैनल पर। आज नया ब्लॉग है और बताइए कि आज सब्जी में क्या बन रहा है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। अच्छा, फिर सब्जी में आप लोग के सामने रखा हुआ है कटहल। हाँ, अभी तो सब्जी में कटहल, परवल, यही सब मिलता है। परवल तो है नहीं, परवल नहीं है, कटहल है, टमाटर है, आलू है, ये पालक साग है, पालक का साग। अच्छा, हाँ, इसको बनाएंगे, पालक का साग बनाएंगे। देखिए तोड़ रहे हैं साग को। अच्छा, तोड़ तोड़ करके इसको बनाएंगे साग को। अच्छा, यही बनेगा सब्जी में ना। हाँ, सब्जी दाल चावल कटहल आलू का सब्जी बनेगा और ये पालक साग का साग बनेगा। आइए आप लोग खाने के लिए साग। यहाँ प्रीति है, प्रीति क्या बना रही है? अच्छा, चावल फ्राई कर रही है। ये आ चुका है नाश्ता में, चावल फ्राई, टमाटर, प्याज और क्या क्या डालते हैं इसमें, जो भी चीज़ डालना हो ये सब डाल के फ्राई किया जाता है चावल को। ये बासी चावल होता है और इसे फ्राई करके खाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। अगर आप लोग ट्राई नहीं किए तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और यही नाश्ता है आज का। आइए आइए, फीस दीजिए। जो है इसको, जो को कूट करके, कच्चा जो को कूट करके इसका सत्तू निकालेंगे। उसके बाद सत्तू निकालने के बाद जो है इसमें गाय का कच्चा दूध और गुड़ मिला करके सान के, उसके बाद फिर जो है 5 सुपारी, 4 सत्तू, लड्डू, मिठाई ले करके अपना देवी देवता सभी को पूजा करेंगे। हम लोग का गोसाई देवता में कच्चा जो का सत्तू ही कूट के निकाल के उसके बाद गोसाई देवता में चढ़ता है, बाजार का खिलावा सत्तू नहीं चढ़ता, इसलिए इसको खल में कूटा जा रहा है। खल में कूट के इसका सत्तू निकाल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और आज है 14 अप्रैल और आज है, बिहारी अगर भाषा में बोले तो, आज सतवानी है, सत्तू पर्व है। इस दिन हम लोग सत्तू खाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि सत्तू हमारे घर में आज लाया गया है, बनाया गया है और इसे खाएंगे। तो क्या बोलना शुरू कर दूं? ये है आम का चटनी। ये आम जो छोटा छोटा होता है टिकोला, उसको छील के पीस करके मिक्सर में पीस के इसको, इसमें जो है नमक दिए, सरसों का तेल दे करके इसको चटनी बनाए हैं, आम का चटनी है। और सत्तू पर्व है ना, आज है 14 तारीख को, जिसको आप लोग बैसाखी कहते हैं, हम लोग भी बैसाखी ही कहते हैं, लेकिन सत्तू पर्व भी कहते हैं। आज हम लोग सत्तू खा रहे हैं और इस समय अभी ये सत्तू है, इसमें चना है, चना का सत्तू है, जौ का सत्तू है, मक्की का सत्तू है, सारा सत्तू को मिक्स कर दिए हैं मिला करके। और मिक्स करने के बाद जब अब इसको जो है मज़े ले लेकर के खाएंगे। हाँ, हैप्पी सत्तू पर्व। हैप्पी सत्तू पर्व। आइयो हो आप लोग खाने के लिए। खा लो सत्तू। दोस्तों, मम्मी एक बार अगर हंसती है तो हंसी रुकता नहीं है। यहाँ पे देखिए मम्मी का हंसी स्टार्ट हो गया है। आप लोग देखते रहिएगा कि कब तक रुकेगी, हंसी रुकती नहीं है। देखिए दोस्तों, कैमरा ऑन ही है, आप लोग देखते जाइए आखिर कितने देर के बाद जो है हंसी रुकेगी। ये मम्मी का एक खासियत है कि जब भी हंसती है एक बार तो हंसते ही रहती है काफ़ी देर से। नहीं चला
अच्छा ठीक है, बोलती है नहीं हंसना लेकिन हंसते ही जाती है। ये देखिए मित्रों, हो गया हंसी बंद, क्या और हंसना है। हंसी का खजाना, क्या आप लोग को भी ऐसा हंसी आता है या नहीं आता है? ये हंसी बंद नहीं होगा और मेरा जो है ना वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो काटना पड़ेगा। अभी यहाँ दही वड़ा बन रहा है, देखिए वो भी बना दिए। दही बल्ले बना रही हूँ, दही बल्ले। इस पर्व में बहुत सारे चीज खाने पीने के बनते हैं, जैसे आपका ठकुआ हो गया, बिहार में ठकुआ कहा जाता है, फिर हाँ फिर दही बल्ले हो गया, बहुत सारा व्यंजन है जो कि बनता है, मम्मी बताएगी विस्तार से। दही बल्ले बना रही हूँ और क्या, इसके बाद अभी तैयार करके रखी हूँ यहाँ पे आटा, ठकुआ बनाऊंगी चीनी वाला, फिर चिकना का ठकुआ बनाऊंगी, फिर और सारे व्यंजन है, दाल चावल। आज लग हम लोग जितना खाना बनाएंगे, दाल चावल कढ़ी चावल जो भी है, आज खाना बनाएंगे सारा दिन रात, उसके बाद कल सारा दिन रात खाना नहीं बनेगा। आज का खाना कल बासी खाएंगे, बासी पानी पिएंगे, ताज़ा नहीं खाना खाएंगे। आज का खाना बनाऊंगा कल बासी खाएंगे, ये त्यौहार में हम लोग का ऐसा ही खाना बनता है। दही बाड़ा बनने के बीच में बन रहा है अब चाय, मिजाज फ्रेश होगा सबका, उसके बाद फिर और अच्छे से बनेगा खाना पीना, टेस्टी खाना बनेगा। आइएगा आप लोग, निमंत्रण है खाने का। मम्मी खाली बुलाती, आता कोई नहीं, आते नहीं है। आप लोग आते नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो बुलाते हैं, आप लोग खा ही लेते हैं। इस बार आप लोग आइएगा, पता चलेगा है, आ जाइएगा, सबको खिला देंगे। चाय बना दिए प्रीति, ये रहा चाय। सारा प्रोसेस जो है बनने का, अभी ठकुआ बनेगा, ठकुआ का जो प्रोसेस होता है बनने का वो सब कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग ठकुआ बनाएंगे, और ठकुआ तो जानते ही हैं बिहार का बहुत ही खास व्यंजन है, चाहे वो छठ पूजा हो या बिस्वा पर्व हो, ठकुआ विशेषकर बनता ही है। हम बिहारी की शान है ठकुआ। तो अभी बनेगा दो तीन तरह का, आइए दिखाते हैं। मैदा वाला यहाँ देखिए, ठकुआ का यहाँ पे गोल गोल गुल्ली से बनाया गया है, तैयार किया गया है, अभी इससे बनाना बाकी है। और यहाँ देखिए ये लकड़ी का बना रहता है, और इसी पर जो है ना ठकुआ को, इस जो गुल्ली जो आप दिखाएं आपको, ये वाला ये चीज़ इसको यहाँ रखते हैं और इसको ठोकते हैं, और फिर ये चीज़ को कढ़ाई में, ये जो कढ़ाई है उसमें डाला जाता है। अभी बनेगा, आपको दिखाएंगे, क्या मम्मी है ना। अभी आप लोग देखिएगा कि ये जो है नेचर फ्रेश है ना, तो इसको किस तरह से इसको काट के कढ़ाई में डाला जाएगा। अभी देखिए, हाँ इसको काटिए ना, तो दिखा क्या रहे हैं, दर्शक सब जान रहा है। अभी इसे काटा जा रहा है, काट के फिर इसको कढ़ाई में डालेंगे, फिर आपको जो दिखाएं छोटा छोटा जो गुल्ली है ठकुआ का, ये देखिए आपको दिखा देते हैं फिर से। ये इसको जो है, इस पर जो है ये रहा, इस पर इसको रखेंगे और इसको ऐसे रख कर इसको दाब देंगे पकड़ के, और उसको फिर कढ़ाई में छाक देंगे, हो जाएगा ठकुआ तैयार। तो ये आप देख रहे हैं, ये देखिए खाने में मज़ा आता, खुद में मज़ा आता खाने में, मत पूछिए, मजा आता है। अभी आप लोग के घर में बनता होगा, हम लोग को इनवाइट कीजिए, हम लोग आएंगे आपके घर में खाने के लिए। जय हो बिहारी बाबू, जय हो बिहार का लाला, जियो बिहार का लाला। ये जो स्क्रीन में भुकुर भुकुर करता है ना, तो ये जो है खिड़की से जो धूप आता है ना, तो वही भुकुर भुकुर करता है स्क्रीन पे। अरे मोबाइल खराब ना है, ये देखिए किया ना, खिड़की से धूप आता है ना उसी से, ये देखिए यहाँ से जहाँ धूप आता है ना सीधा स्क्रीन पे आता है, तो भुकुर भुकुर करता है। कच्चा खाएगा तुम क्या? नहीं नहीं कच्चा नहीं खाएंगे, बनाइए बनाइए।